हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स R05। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग चार के बारे में, जिसमें हम कुछ अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हमारे संविधान में DPS भी आते हैं, जो कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत होते हैं। इनको आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये दिए गए हैं। किसी भी कानून के संवैधानिक मूल्य की जांच करने के लिए इनको बनाया गया है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 36 से 51, जिसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 36, जिसमें राज्य का अर्थ भाग 3 के समान है। अनुच्छेद 12 में जो है बयान है, इसमें संविधान की नवीन विशेषता भीमराव अम्बेडकर द्वारा, संविधान की अंतरात्मा ग्रेनविले ऑस्टेन द्वारा, भारत का संघवाद अर्ध संघीय है किसने कहा है, केसी वेयर द्वारा, DPSP बैंक का बैंक पर चेक की तरह है जो बैंक की सहमति पर देय होता है, ये किसने कहा है, प्रोफेसर KT द्वारा। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 37। इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा और ये गैर न्याय संगत हैं। अनुच्छेद 38 में राज्य सुरक्षा और संरक्षण द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा। राज्य द्वारा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना 44 संविधान संशोधन 1978 में इसको किया गया। अब आता है आर्टिकल नंबर 39, जिसमें 39A में है आजीविका के प्राप्त साधन का अधिकार है सभी को। 39B में समुदाय के भौतिक संसाधनों को आम भलाई के लिए सर्वोत्तम तरीके से वितरित किया जाएगा। अनुच्छेद 39C में है आर्थिक व्यवस्था के संचालन से धन का संकेंद्रण नहीं होता है। आर्टिकल 39D पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 39D। आर्टिकल 39E नागरिकों के स्वास्थ्य तथा ताकत का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और आर्थिक आवश्यकता के कारण उन्हें उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39F में है बच्चों के लिए है, बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने, स्वतंत्रता और सम्मान के अवसर और सुविधाएँ दिया जाना। 42nd संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A, जिसमें राज्य गरीबों को न्याय सुनिश्चित करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून योजनाओं के माध्यम से मुक्त कानून सहायता प्रदान करेगा। 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 में है राज्य ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करेगा और उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। आर्टिकल नंबर 41 में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में। ठीक है, अनुच्छेद 42 राज्य काम की मानवीय स्थितियों सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 43, जिसमें जीवन यापन लायक मजदूरी सुनिश्चित करना, जीवन का एक सम्यक मानक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का पूरा आनंद लेना, राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 43A, जिसमें राज्य किसी भी उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 43B में है राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा, जिसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के अनुसार जोड़ा गया। आर्टिकल 44 में राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 45 में है राज्य 10 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क देखभाल करने का प्रयास करेगा, 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होगी,
जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 46, जिसमें राज्य अनुसूचित जातियों जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देगा। आर्टिकल 47 में है राज्य पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर ध्यान देगा। राज्य औषधीय प्रयोजन को छोड़कर नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। आर्टिकल 48 में है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करेगा। राज्य गाय और बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के बध को रोकने के लिए उस पर रोक लगाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A, जिसमें राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करेगा तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा, जिसको 42वीं संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 49 में है राज्य कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक स्थान और वस्तुओं की रक्षा करेगा। आर्टिकल 50 में है राज्य सार्वजनिक सेवाओं के न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करेगा, मतलब इसमें न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी, ये अनुच्छेद 50 में है। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। आर्टिकल 51A में है। सो गाइस, ये थे हमारे DPSP के कुछ अनुच्छेद जो कि संविधान के भाग 4 में स्थापित हैं। सो गाइस, ये भाग 4 होता है कंप्लीट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाग 4A के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।